बोलना ही नहीं पड़ेगा, मैं इतना इतना उसको उलझा दूंगा, वो लालच में आकर के अपनी सारी जमीन। हर हाल में रणवीर सिंह की जमीन हमारे नाम होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी बन गई है। जाओ जाओ जाओ। मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरी बात कान खोल कर सुन। तो तुम रुक जाओ। खोला जाए अबे जा। कहते हो बात खोल के सुन लो। नारा है यो? नारा है या कि साले भैंस का पगहा डाले घूम रहे हो? अरे साले नाला है कहीं के तो साले भैंस की नाथ है रे। भैंस बेच लिया रहा है, गुड़ा रहेगा रहा है, नारा गवा टूट। ओह साले, तुम्हारे लिए काम क्या है? जितने गरीब किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 2 बीघे 4 बीघे 6 बीघे जमीन है, उन किसानों को जाकर तुम समझा दो और कह दो कि जमीन केवल जमींदार की होती है, तुम सब लोग अपनी अपनी जमीन ठाकुर भूपेंद्र सिंह के हाथ से पेट डालो। चले जाओ मालिक। हाँ। आज अगर जमीन खाली चिरी मार के रहो। चिरी मार? जमीन जमींदार की होती है, जाओ। लेकिन हाँ एक बात और सुनो, तुम्हारे पास जमीन कितनी है? तुम्हारे पास मालिक 2 बीघा है। 2 बीघे है? परसों अपनी भी जमीन के कागजात लेकर हमारी हवेली पर चले आना, समझ गए? हमारे उड़ा लिया हो। अरे तुम्हारी जमीन में कांटा है का? हमारे उड़ा लिया। जाओ थाले। हाँ कान वालो, कान खोल करके सुन लो, मेरा मतलब यह है कि सारी रियासत की सारी जमीनें हमारे नाम होनी चाहिए और उस शरामजनक ठाकुर रणवीर सिंह की यह औकात भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आवाज उठाया है, मैं उसको गांव में अब चैन से रहने नहीं दूंगा, मैं उसके घर को बर्बाद कर दूंगा, मैं उसकी जिंदगी को आग लगा दूंगा। मेरा नाम ठाकुर रणवीर सिंह है। हम अपने घर में 3 प्राणी हैं। मेरी धर्मपत्नी का नाम कमला है और एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम तूफान है। लेकिन इस वक्त वो मेरा भाई जो है घर पे नहीं बल्कि अलीगढ़ में वकालत की पढ़ाई कर रहा है और मैं सुबह उठकर भगवान से यही प्रार्थना किया करता हूं कि मेरा भाई तूफान जब कभी मेरे सामने आए तो वकालत की डिग्री लेकर ही आए। आज मैं अपने खेतों की तरफ आया हूं, कुछ काम करना चाहिए क्योंकि धूप भी काफी निकल आई है। कहां जा रहे हो तुम लोग? अरे ये बोरी बिस्तरा लिए हुए आप लोग कहां जा रहे हैं? अरे कुछ बताओगे किस तरीके से भाग रहे हो? अरे अरे कोई पीछा कर रहा है, यह गांव में आग लग गई है। अरे आग नहीं लग गई भैया, बहुत गड़बड़ हुई गवा। क्या गड़बड़ हो गया है? अरे ठाकुर जो भूपेंद्र प्रताप सिंह थे वो गांव में रहते थे, राम सिंह काका। हाँ राम सिंह काका, उनके भी गोली मार दिया है। क्या? और उसके बेटे सुंदर सिंह के भी गोली मार दिया है। ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने ऐसा किया? हाँ जी का देखा उनका टपकाए रहा भट। चलो भैया। अरे इसका लेकिन आप लोग ये गांव छोड़ के चले जाओगे? चलो उसके डर से गांव छोड़ के चले जाओगे? देखो अपने दिल से ये खौफ हटा दो और कानून से मदद लो। कानून? हाँ कानून तुम्हारी मदद करेगा। अरे कानून भैया उनके सब मुट्ठी में ही रहते हैं।
लेकिन इस तरह से गांव छोड़ के चले जाओगे फिर कहां जाओगे? यू गांव छाड़ दिया दूसरे गांव में रह जाए, दूसरे गांव में, अगर दूसरे गांव में भी ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह जैसा इंसान मिल गया तब फिर कहां जाओगे? वहां गांव छोड़ दिया तीसरे गांव में रह जाए, और इसी तरह अपनी जिंदगी से भागते रहोगे लेकिन जी नहीं पाओगे। अरे जिंदा तो रह भैया, देखो मेरी बात मानो और वापस चलो। देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है, और मेरा भाई जो है तूफान वकालत पढ़ रहा है और देखना बहुत जल्द आने वाला है, और फिर कोई भी केस होगा तुम लोगों का, कोई भी मुकदमा होगा तो मेरा भाई जो है तूफान बिल्कुल फ्री लड़ेगा। अरे ठाकुर साहब क्या बात करते हो, पर सवाई जा गौना कराई घर लाए रहन हमारी मेहरुआ के अरे चौधरी बराबर ठकुरो और रपटाई से। लेकिन तुम भी अच्छे नहीं हो, क्योंकि कितनी बार मैंने मना किया है कि उसके खेतों में काम मत किया करो, काम ना करे तो कामाओ करे जाओ और पैसा देते ना, पैसा जो कोई मांगे तो का तुरंत टपकाए देते। लेकिन जब मैं बुलाने के लिए जाता हूँ तो कहते हो कि टाइम नहीं हमारे पास, का करी अत्ता का जरूरी है भैया। मेरा कहना मानो और ये डर अपने दिल से निकाल दो, और आज के बाद तुम उसके खेतों में काम नहीं करोगे बल्कि हमारे खेतों में काम करोगे। यार भैया और हम पर रुके ना पाई पाए यार भैया, भैया पर रंग बात बताइए भैया, हमारे वैसे बिचारों को जलम भवा रहा है हमारे घर तो बनावे खावे बद कह हमारे वहाँ सास हो ही रहा है। अच्छा तो लड़की कहाँ है? वही तो वहाँ बिटियावा उसको छोड़ के चले आ छोड़े ना है बिटियावा के यहाँ गिरन मारे यहाँ रजाई में लपेटे हान मर जाएगी मर जाए। हाँ जल्दी से इसको बाहर करो। अरे यार तू बिटिया भैया तुमका जो मान लो विश्वास न हो तो तुम हमारी मेहरुआ के यहाँ सूखे के यहाँ देख सकते हो, अभी समर से ज्यादा साफ ना भाई है। तो हमारे हमारे सासू इकी धोती पहन ले ते कह गई रहे झाड़े अब वो तो करवा देखे से। अरे रपटाई से है तुमसे का बताई भैया, यू कहो जो भाग इनाम है तो हमारे हमारे सासू जान ले आंखी कहड़ का मरी जाए। जब घर का भाग गए तो हम पांच देखे ना, और घर जब गांव को आई गए तो सर्दे से वो निकली गवा। मैं जानता हूँ कि बहुत ही कमीना इंसान है वो। यार भैया रुका भाई ना, नहीं मेरी बात मानो और मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों की मदद मैं करूँगा। क्यों यार कहते हैं तो मान लिया जाए बात। ए, जब दादा ने कहते हैं तो रुक जाओ। वैसे एक बात है भैया ना, कहित रहे बड़कन्ने वैसे अब जब कहते हैं ठाकुर साहब और कहते हैं इनका भाई जो है वका कहते रहा वकील वकालत पड़ रहा है तो हो सकते है दादा का मेहरुआ वादे हवा देखी भाई करे रहो जय धोती रहे सबई ससुरी फटी गई या कौन आई बची। ऐसे करो इनकी बात मान लो और फिर देखा जई जो कुछ हो। और क्या मसविरा किया वापस हो जी? ठीक है आप लोग वापस चलो। चलो ठाकुर साहब तो कह रहा मदद करे हूं। अरे बिल्कुल मैं वादा करता हूं मैं आप लोगों की मदद करूंगा, हर तरह से मदद करूंगा। तुम पंच मान क्या बात ठाकुर दादा के बात मान गयो और कहां चले गए तो दादू तुम रुक गए और कहां चले गए थे दादा तुम हो रुक गए सब हो रुक गए भौजी तुम हो रुक गए भौजी देर क्यों कर रहे हो ठाकुर साहब भूख बहुत तेज लगी तीन दिन से खाना ना खाए ना। हमारे घर पे चलो तुम्हें खाना मिलेगा ठीक है। धूप भी काफी निकल आई है और कुछ काम भी नहीं हो पाया, मुझे कुछ काम करना चाहिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती Thank you.
बातों तरफ दी लेके आई हो खाना ऐसा भी मेरे आके जल्दी से तुम और आप तो काम में इतना मस्त हैं कि मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आ गया हूं जरा देर ठहरा यही आ गया लेकर आई हो और मुझे तो भूख बिल्कुल चली जाती है क्योंकि ये जब मैं अपनी फसल देखता हूं क्योंकि इस साल की फसल अपनी बहुत अच्छी है इसलिए जब फसल देखता हूं तो मेरी भूख और प्यास बिल्कुल चली जाती है। और तुम खाना की फसल अच्छी है तो इसका मतलब भूख प्यास सब चली जाती है फसल देखकर। और क्या मैं ये नहीं कहती हूं, मेरे कहने का मतलब कुछ और है। अरे तो कहने का मतलब क्या है? जोर की गर्मी से तप रही है जमीन, जोर की गर्मी से तप रही है जमीन, तन पसीने से है तर बतर हो और देख कर के दशा है दिया आपकी। पसीने से तर बतर देखती तो मुझे दुख होता थोड़ा। वैसे मेरे कहने का मतलब ये कि जब तेज धूप निकला करे तो थोड़ा आराम कर लिया करो। अच्छा तुम्हें तो हमारी फिक्र बहुत लगी रहती है। अरे हमको तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी तो किसको रहेगी? लेकिन तुम जानना चाहती हो कि आखिर मैं अपनी खेती में इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? हाँ, क्यों? मेरे पुरखों ने भी कड़ी मेहनत की है। मेरे पुरखों ने कड़ी मेहनत किया, उन सभी का हुआ है इसी में गुजर। और मेहनत से ना डरूं हिंद का से दादा परदादा ने इसी खेती में बहुत कड़ी मेहनत किया है और आज